जय श्री राम। श्री राम की नगरी अयोध्या को ग्रोथ इंजन ऑफ उत्तर प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। आज के समय में राम जन्मभूमि विकास और विरासत की साझा ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, 500 सालों से चला आ रहा प्रभु श्री राम का वनवास आखिरकार 22 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। दरअसल त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लौटने पर अयोध्या में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन हुआ है। ठीक उसी तरह कलयुग में भगवान के आने से खुशहाली के साथ विकास और स्थायी रोजगार के अवसरों की बहार सी आ गई है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या को हिंदू समाज की आस्था का केंद्र बनाने के साथ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस भी बनाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि हम सभी अयोध्या में राम राज की भव्यता और आधुनिकीकरण का बेहतरीन तालमेल देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपका अपना मेंटर सिद्धार्थ भैया अपने हर वीडियो के माध्यम से मेंटोरशिप ज्वाइन करने की बात रखता हूँ। जैसे राम के बिना हनुमान अधूरे थे, कृष्ण के बिना अर्जुन, एक मेंटोर के बिना एस्पिरेंट का सफर काफी लंबा और मुश्किल होता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म फिल करें और जुड़े मुझसे 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप की क्लासेस से। इससे अयोध्या उत्तर प्रदेश के वेल डेवलप्ड साइबर सिटी यानी कि नोएडा को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल गवर्नमेंट अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी प्लानिंग और टूरिज्म पर बहुत जोरों शोरों से काम कर रही है। ऐसे में राम जन्मभूमि की भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए सरकार ने अभी तक 32,000 करोड़ का बजट तैयार किया है। राम जन्मभूमि मंदिर का 80% काम पूरा हो चुका है। हालांकि इस मंदिर के पूरी तैयार होने के लिए भक्तों को दिसंबर 2024 तक का तो इंतजार करना होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो राम की नगरी को SGS फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। अब आप यही सोच रहे होंगे, ये भला SGS क्या है? दोस्तों, SGS ये हमारा मतलब है स्पिरिचुअल सेंटर, ग्लोबल टूरिज्म हब और सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी। अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान आपको बस सुनने में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, देश की इकोनॉमी और कल्चरल टूरिज्म की बहुत अहमियत भूमिका होती है क्योंकि भारत में लोग आस्था को बहुत महत्व देते हैं। आसान शब्दों में समझें तो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि रिलीजियस बिलीफ के लिए घूमना पसंद करती है। इससे इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। यही कारण है कि अयोध्या को एडवांस सिटी बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत हुई है। रामनगरी आज के समय में एक विशाल निर्माण स्थल बनी हुई है। यहाँ सड़कों का चौड़ा, मल्टी लेयर कार पार्किंग, नए होटल्स और धर्मशालाओं को बनाया जा रहा है। साथ ही में अयोध्या में मौजूद मंदिरों को रेनोवेट और सरयू नदी के घाट पर और बेहतर बनाया जा रहा है। इस कायापलट ने शहर की इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी ला दी है। अब रामलला की अयोध्या स्पिरिचुअल के साथ साथ डिजिटल भी हो चली है। यही वजह है कि सरयू नदी पर नाव चलाने वाले केवटों से लेकर हनुमान गढ़ी में फूल और प्रसाद बेचने वालों तक हर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ रहा है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ जरूरी प्रोजेक्ट को 22 जनवरी से पहले ही पूरा कर लिया गया है। अब जैसे कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट्स के लिस्ट में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। इस एयरपोर्ट के कंप्लीट होने के बाद उत्तर प्रदेश में पूरे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं। इससे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन करना आसान हो जाएगा। सरकार ने मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी पूरा कर लिया है। ऐसे में राम भक्तों के लिए वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की त्रिशक्ति को ट्रैक पर उतारा गया है। रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने के साथ बस स्टैंड को भी सुधारा गया है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट अयोध्या 84 कोश क्षेत्र का है। इस प्रोजेक्ट में अयोध्या और उसके आसपास के एरिए को कनेक्ट करते हुए 235 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 3,350 करोड़ लागत आएगी। इससे पूर्वांचल के कई हिस्सों की कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। अब हम
बात रामलला की हो और सरयू नदी का जिक्र ना किया जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में सरकार ने सरयू नदी पर रिवर फ्रंट बनाने की योजना बनाई है, साथ ही में भक्तजन अयोध्या में राम लैंड थीम पार्क का भी अनुभव कर पाएंगे। इस जगह पर आप भगवान राम के जीवन को एनिमेशन की मदद से देख सकेंगे, साथ ही शोज भी होंगे। अयोध्या में टूरिस्ट अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी 251 मीटर की भगवान राम की प्रतिमा बनाने का भी फैसला लिया है। अयोध्या को राम रंग में रंगने के लिए कॉमन बिल्डिंग कोड लागू होगा। इस प्रोजेक्ट में अयोध्या में बनने वाली सभी बिल्डिंग्स को सेम पैटर्न पर पेंट किया जाएगा। इसी के साथ ही मथुरा वृंदावन की दीवारों पर जिस तरह भगवान श्री कृष्ण का जीवन नजर आता है, ठीक उसी तरह अयोध्या की दीवारों पर भी रामलला के जीवन को दर्शाएंगे। दोस्तों, किसी भी जगह को खूबसूरत बनाने के लिए ना नई चीजों को बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उस जगह को कंसिस्टेंसी के साथ खूबसूरत बनाए रखना होता है। ऐसे में अयोध्या की इस चमचमाती कायापलट छवि पर कोई आंच ना आए, इसलिए सोलर सिटी, सीवेज सिस्टम और इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर इन्हें खुलकर समझने की कोशिश करें तो अयोध्या में 500 एकड़ की जमीन पर सोलर पैनल्स को बिछा हुआ देखेंगे आप। इससे अयोध्या हमेशा जगमगाती रहेगी। साथ ही सरयू नदी को गंदगी से बचाने और शहर में किसी भी तरह की सीवेज संबंधी समस्याओं से बचने के लिए गटर और नालों को भी रेनोवेट किया जा रहा है। इसके अलावा ताजमहल की तरह राम मंदिर के परिसर में भी पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों की एंट्री निषेध होगी। इससे मंदिर की भव्यता और खूबसूरत सालों साल तक बरकरार रहेगी। अयोध्या आने वालों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके मद्देनजर सरकार ने 40,000 के आसपास होटल और गेस्ट हाउस बनाने की प्लानिंग भी की है। इसके साथ ही अफोर्डेबल भोजनालय भी बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर आपका अयोध्या ट्रिप स्पिरिचुअल और फन का बहुत ही बैलेंस्ड और परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। यहां आकर आप बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वैदिक काल का लुत्फ उठा पाएंगे। इससे अयोध्या टूरिज्म को जबरदस्त किक स्टार्ट मिलेगा और यूपी के साथ पूरी इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपके 22 जनवरी को लेकर क्या क्या प्लान्स हैं और आप 500 साल बाद रामलला का स्वागत किस तरह करना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।